आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज SGPGI से बांदा जेल भेजा गया। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को जेल में दिल का दौरा पड़ा था, जिस दौरान विधायक को लखनऊ SGPGI में भर्ती कराया गया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने डिस्चार्ज करने को लेकर योगी सरकार के कुछ मंत्रियों पर भी तीखे आरोप लगाए हैं। सर क्या हुआ आज, क्या क्यों आज डिस्चार्ज कर दिया गया अचानक? देखिए तबीयत अभी नासाज बनी हुई है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद एक आदमी को बॉडी में कितनी वीकनेस हो जाती है। मगर सत्ता पक्ष के कुछ मंत्रियों के दबाव से अस्पताल प्रशासन जो है उनको ऊपर दबाव था कि आप जल्द से जल्द इनको यहाँ से हटा करके जेल में शिफ्ट करें। उनका कहना था कि अब जितना इलाज होना था हो गया है और इसके बाद का जितना भी इलाज है वो उनको जेल में कराया जाए। बल्कि अभी डॉक्टरों का ये मानना था कि वीकनेस बरकरार है और डॉक्टर अभी कुछ वक्त और रोकना चाहते हैं। कुल मिला के आप लोग क्या आरोप, सत्तापक्ष पार्टी के आरोप? देखिए सत्तापक्ष पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, बस इतना कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया है। मगर हाँ, सत्ता के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि बिचौलिया हैं और उनकी वजह से उन्होंने प्रेशर बनाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की ये सब काम किए।